नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मोटिवेशनल न्यूज में। आपको बताएंगे कि प्राथमिक शाला करई टोल खड़ी और इमलिया में अब तक नहीं पहुंची हैं किताबें क्यों नहीं पहुंची, किस कारण से नहीं पहुंची, तमाम जानकारी आपको यहां पर देने वाले हमारे YouTube चैनल के माध्यम से। जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और एक संदेश हमारे चैनल के माध्यम से देना चाहेंगे कि आप एक रोटी कम खाएं लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाएं। स्कूलों में शिक्षक मौजूद लेकिन बच्चों की संख्या बहुत कम है। बता देते हैं आपको कि ये जो आप दीवार देख रहे हैं, इस दीवार में स्कूल विभाग का ये दीवार है और यहाँ पर ये क्षतिग्रस्त हो चुका है। तो ये बताएंगे टोल खड़ी प्राथमिक शाला, जिसे पहले मतदान का केंद्र बनाया गया था लेकिन वर्तमान हालात में क्षतिग्रस्त है। तो सरकारी स्कूलों में कक्षा प्रारंभ हो चुके हैं। जिला मुख्यालय के अलावा नज़दीकी क्षेत्र में सरकारी स्कूलों की हालत खराब है। ग्राम इमलिया एवं टोल खड़ी में ग्राम करई के प्राथमिक शालाओं में शिक्षक तो मिले लेकिन विद्यार्थी अपेक्षाकृत नहीं मिले हैं। ग्राम टोलखड़ी में प्राथमिक शाला का भवन क्षतिग्रस्त है, जो कि धराशायी भी हो सकता है, कभी भी धराशायी हो सकता है, कभी भी गिर सकता है। और बता देते हैं आपको कि शिक्षक उस कक्षा में विद्यार्थियों को नहीं बैठा रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि संबंध में विभाग को 3 बार लिखित सूचना दे चुके हैं। खास बात यह है कि इसी भवन को मतदान का केंद्र बनाया गया था, जिसमें लोकसभा चुनाव का मतदान भी हुआ था। इसके बावजूद भी इस कक्ष का हालात ना तो प्रशासन को दिखाई दिए और ना ही निर्वाचन विभाग को। यह शासन की तरफ से दी जाने वाली पुस्तकों का वितरण अब तक नहीं हो सका है। स्कूल के शिक्षकों का कहना है कि 2-4 दिन में पुस्तकें आने की उम्मीद है, लेकिन तब तक पुरानी किताबों से ही बच्चे को पढ़ाया जा रहा है। बच्चों की संख्या को लेकर शिक्षक परेशान है, क्योंकि बच्चों की संख्या काफ़ी कम है। तो साथियों, बता देते हैं आपको जानकारी कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और सबसे महत्वपूर्ण सूचना रहेगा कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।